दोस्तों, बिहार में जिलों के बीच विकास के पैमाने पर बड़ी विषमताएं हैं। राज्य के कुछ जिले विकसित हैं तो कुछ जिले काफी पिछड़े। ये हम नहीं कह रहे बल्कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जारी सभी सूचकों की रैंकिंग के अनुसार पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, भोजपुर और सारण विकसित हैं तो अररिया, शिवहर, बांका, किशनगंज और लखीसराय पिछड़े जिले हैं। बिहार का सबसे अमीर जिला पटना है और सबसे गरीब शिवहर है। अमीरी में दूसरे नंबर पर बेगूसराय और तीसरे स्थान पर मुंगेर जिला है। गरीबी में दूसरे नंबर पर अररिया और तीसरे पर सीतामढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 38 जिलों की रैंकिंग बताई गई है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपए है, जबकि पटना में 1,14,541 रुपए, बेगूसराय में प्रति व्यक्ति आय 46,991 और मुंगेर में 44,176 रुपए हैं। ये तीनों सबसे समृद्ध जिले की कैटेगरी में आ चुके हैं। वहीं इनकी तुलना में शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई काफी गहरी है। शिवहर में प्रति व्यक्ति आय 18,980 रुपए है, अररिया में 19,795 रुपए और सीतामढ़ी में 21,448 रुपए है। हद तो ये है कि पटना में प्रति व्यक्ति आय बिहार के सबसे गरीब जिले शिवहर से लगभग 6 गुना से भी अधिक है। वहीं उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार और संपूर्ण बिहार के दो दो सबसे संपन्न और गरीब जिलों की पहचान भी की गई है। संपूर्ण बिहार के लिए दो सबसे संपन्न जिले पटना और बेगूसराय हैं, तो दूसरी ओर दो सबसे गरीब जिले अररिया और शिवहर हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार के जिलों के बीच आर्थिक असमानता की तरह शहरीकरण में भी जिलों में काफी असमानता है। जी हां, पटना जिले में शहरीकरण का स्तर सर्वाधिक 44.3% है। इसके अलावा सिर्फ दो जिलों मुंगेर और नालंदा का क्रमशः 28.3% और 26.2% है। दोनों जिलों के शहरीकरण में बड़ा अंतर है, जो असमानता का बड़ा स्तर भी बताता है। बिहार के शहरीकरण की बात की जाए तो दक्षिण बिहार के जिलों में उत्तर बिहार से अधिक शहरीकरण की तस्वीर भी उभरती है। अगर साल 2019 से 20 के आंकड़ों के मुताबिक भी बात करें तो 2019 से 20 में भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना जिला 131,100 रुपए के साथ सबसे ऊपर रहा। यह दूसरे नंबर पर स्थित बेगूसराय जिले की प्रति व्यक्ति आय 51,400 रुपए के आसपास थी। वहीं प्रति व्यक्ति आय के मामले में इसके बाद मुंगेर जो कि 44,300, भागलपुर 41,800, रोहतास 35,800, मुजफ्फरपुर 34,800, औरंगाबाद 32,000, गया 31,900, भोजपुर 31,600 और वैशाली 30,900 हैं। वहीं अगर बिहार के सबसे गरीब जिले की बात करें तो प्रति व्यक्ति कम आय वाले जिलों में शिवहर 19,600, अररिया 20,600, सीतामढ़ी 22,100, पूर्वी चंपारण 22,300, मधुबनी 22,600, सुपौल, किशनगंज व नवादा भी इसमें शामिल हैं। वैसे बिहार के जिलों के बीच आर्थिक विषमता का अंदाजा ऐसे भी लगाया जाता है कि पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में भी पटना अव्वल है। पेट्रोल की खपत के लिहाज से दो सबसे संपन्न जिले पटना और मुजफ्फरपुर हैं। वहीं दूसरी ओर इसके आधार पर दो सबसे पिछड़े जिले बांका और शिवहर हैं। दो अन्य पेट्रोलियम उत्पादों में डीजल और रसोई गैस यानी LPG के लिहाज से भी सर्वाधिक समृद्ध और गरीब जिलों की पहचान की जाती है। आर्थिक विकास में आंतरिक विषमता का आधार विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति लघु बचत है। इसमें भी दो सबसे समृद्ध और सबसे गरीब जिलों में पटना और सारण हैं, जबकि सबसे पिछड़े जिले अररिया और पश्चिम चंपारण हैं। विभिन्न आधार पर रैंकिंग के लिहाज से पटना के आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत विकसित जिले पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और शेखपुरा पाए गए हैं। दूसरी ओर सबसे पिछड़े जिले अररिया, शिवहर, बांका, किशनगंज और पश्चिम चंपारण है। बदलते जमाने में बिहार को बदलना होगा। बिहार के हर जिले को असमानता से उठाकर विषमता पर लाना होगा, यानी कि बिहार के हर जिले में नौकरी, रोजगार और फैक्ट्रियां होनी चाहिए, जिससे कि पूरे बिहार की हालत बदल सके। बिहार के हर जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके, अपने बिजनेस को विस्तार कर सके और इसी के साथ अपनी जीवन शैली में सुधार ला सकें। कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार के लिए सबसे अच्छी बात होगी कि बिहार का हर जिला संपन्न हो जाए, और इससे बिहार की कहीं ना कहीं स्थिति भी सुधरेगी और बिहार की हालत भी।